नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के कारणों का समीक्षा किया, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से बहुत नाराज है। आखिरकार कैसे कांग्रेस ने जीती हुई बाजी को गवा दिया और हार भी गई। वहीं राहुल गांधी ने इस रवैये से माना है कि अब आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेताओं पर ही एक्शन हो सकता है। जी हां, आपको बता दें, खड़गे के आवास पर 10 राजा जी मार्ग पर हुई समीक्षा बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कोषाध्यक्ष अजय माकन तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दो अन्य पदाधिकारी थे। प्रभारी दीपक बावरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे क्योंकि वे पिछले कुछ सप्ताह से अस्वस्थ हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी बैठक से दूरी बना ली। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा गया और राहुल गांधी का इशारा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित होगी और बैठक के बाद माकन ने संवाददाताओं से कहा है कि इस बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई है। आप लोग भी इस बात को मानते होंगे कि नतीजे जो हैं वो अप्रत्याशित थे। एग्जिट पोल और असल नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इस पर भी चर्चा की गई। उनका कहना है कि आगे के कदमों की जानकारी बाद में दी जाएगी और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा के नहीं शामिल होने पर पूछे जाने पर माकन ने कहा कि जिनको बुलाया गया था वे सभी आए थे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ी शिकायतों के बारे में बुधवार को चुनाव आयोग को अवगत कराया था और इसकी जानकारी की मांग भी की थी। और ऐसे में देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो आयोग की सागरा भी करता हुआ नजर आया कि उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और उनको सील करके सुरक्षित रखा जाए, जिनको लेकर सवाल उठे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित और लोक भावना के खिलाफ करार देते हुए मंगलवार को कहा था कि इस जनादेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य में तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार हुई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया था कि कई विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम लेकर शिकायतें आई हैं तथा जहां पर ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी उनको लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई है, लेकिन जिनकी बैटरी 60-70% चार्ज थी उनको लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों में जीत हुई है। इसी साल जून के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच हुई पहली बड़ी सीधी लड़ाई में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने 90 सीटों पर जीत के लिए सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव में 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2019 में 41 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 37 और सीट पर संतोष करना पड़ा है, लेकिन 37 सीटों पर संतोष करने के बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है और बार बार ईवीएम पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से जिस तरीके से निकलता हुआ नजर आया, कहा यह जा रहा था कि जिन सीटों पर विपक्षी पार्टियों की जीत होती है वहां पर ईवीएम का मुद्दा नहीं निकलता है और जिन सीटों पर हार हो जाती है वहां पर ईवीएम का मुद्दा उछालते हुए विपक्षी पार्टियां नजर आती हैं। देखना यह होगा कि हरियाणा में ईवीएम का मुद्दा कहां तक जाता है, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेते हुए नजर आएगा या विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति में कुछ बड़ा बदलाव करती हुई दिखाई देंगे। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़।